हाय एवरीवन, ये एक न्यू केस है जिसमें कि आप देखेंगे ये इनका घुटना एक इधर है और एक ऊपर है। एक्सीडेंट की वजह से इनकी फीमर भी बहुत शॉर्ट हो गई थी तो ऊपर इसको किया है। जो फिक्सेशन हुआ है इनका वो बहुत ऊपर है। अगर स्टम्प देखेंगे आप तो स्टम्प शॉर्ट है और नी कहाँ पे बैंड होता है एक बार करके दिखाइए। ये सिर्फ नी इतना ही बैंड होता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये पूरा बोन है एंटीरियर डिस्टल एंड का जो टीबिया है। इनके लिए चलना और अलाइनमेंट करना बहुत चैलेंजिंग है। स्टिल ही इज डूइंग वेरी वेरी गुड। एक बार पहनिए, पैर को कैसे पहनते हैं आप? ये हाथ भी काम नहीं करते हैं चोट की वजह से, बट ये कैसे मैनेज करते हैं पहनना देखिए। इनको हमने काफ़ी मेहनत करके सिखाया कि कैसे पहनना है पैर, इस तरीके से पैर पहनते हैं ये। गुड, ये एक आर्टिफिशियल लेग है। आप इसकी लेंथ देखेंगे तो कंपैरेटिवली उससे नी टू फ्लोर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओवरऑल लेंथ हमें बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। कहाँ से आए सर आप? प्रतापगढ़। कैसा लग रहा है पैर? पैर सही है, पहले से बहुत बेटर महसूस कर रहे हैं। बहुत बेटर महसूस कर रहे हैं। कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, तकलीफ नहीं। इंडिपेंडेंट चल पाते हैं? बिल्कुल। और कोई समस्या? कोई समस्या? ये किस वजह से हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट ड्यूटी से निकला था, रोडवेज से टक्कर हो गई थी। रोडवेज से टक्कर हो गई थी। चल के दिखाइए एक बार। तो नी टू फ्लोर अगर देखेंगे तो नी टू फ्लोर ज़्यादा है दोनों पैरों का कंपेयर करेंगे तो, बट बहुत परफेक्ट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। काफ़ी सालों से चले नहीं, पेशेंट बहुत दिनों से बैठते थे, बट इंडिपेंडेंट वॉक है। फेस कई बार पेशेंट मना करता है इसलिए फेस नहीं दिखाया, बट आप देखेंगे तो एक यूनिक केस है एंड ही इज डूइंग गुड, फैंटास्टिक।